हेलो वेलकम बैक टू कोची फाई। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सितंबर मंथ के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के एमसीक्यूज को। ये जो सेशन होने वाला है इसमें हम लोग फ्रॉम 1st of September से लेकर 15th of September तक के करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट बुलेट न्यूज़ को भी डिस्कस करेंगे। सो ये सेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है आपकी अपकमिंग एग्जामिनेशन IBPS RRB PO क्लर्क और जो भी बैंकिंग एग्जामिनेशन है उन सारी एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप लोगों का एग्जामिनेशन अभी अर्ली है इसलिए मैंने 15 डेज का आपको सेप्टेम्बर मंथ का जो है वो प्रोवाइड किया, क्योंकि मुझे काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी। ओके सो आप लोग जो है प्रीवियस 6 मंथ का प्रिपेयर करके जाना है आप लोगों को एग्जामिनेशन के लिए, और सितंबर मंथ का 15th of September तक का अगर आप प्रिपेयर करते हो तो अच्छी बात है। काफ़ी कबार आप लोगों को ये भी देखने मिलता है कि हमारी एग्ज़ाम के 1 से 2 दिन पहले का भी करंट अफेयर हमें देखने मिलता है, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करना चाहूँगी कि आप लोगों को अपडेटेड रहना है, आप लोगों को बिफोर 2 डेज तक का भी करंट अफेयर जो है वो रिवाइज़ कर लेना है। सो आज के सेशन में हम लोग नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ बुक्स एंड ऑथर MOU स्कीम्स बैंकिंग अपॉइंटमेंट्स डेज एंड टीम्स अवार्ड्स डिफेंस साइंस स्पोर्ट्स इन सारी कैटेगरीज से क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे एंड बुलेट न्यूज़ के माध्यम से इन सारी कैटेगरी को कवर अप करवाऊंगी। सो वीडियो को स्टार्ट टू एंड कंप्लीट देखना है, कहीं पे भी स्किप नहीं करना है, बिकॉज जहाँ पे भी आप स्किप करते हो शायद ऐसा हो सकता है वही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाए और वहीं से क्वेश्चन पिकअप हो जाए, इसलिए कहीं पे भी स्किप नहीं करना है। और जो जो सेशन मैंने आप लोगों को रिकमेंड किया है इन बिटवीन आप लोगों को रिकमेंड करूंगी, वो सारे सेशन को आपको बिफोर एग्जामिनेशन ज़रूर देखकर जाना है। सबसे पहले बात की जाए करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर मैंने प्रीवियस 6 मंथ का आपको रिकमेंड किया है और सारे सेशंस मैंने ऑलरेडी चैनल पे प्रोवाइड किए हुए हैं, आप वो सेशंस देख सकते हो। अगर आप लोगों को ई बुक चाहिए तो आपको कोचीफाई के एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। कोचीफाई का एप्लीकेशन आपके पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से आप ई बुक के माध्यम से रिविजन कर सकते हो। ओके सो ये हमारे 6 मंथ के करंट अफेयर आप लोगों को अच्छी तरीके से अगर आप रिवाइज करते हो तो आपका काफ़ी अच्छा रिविजन हो जाएगा। सो इसी के साथ बढ़ते आगे और देखते हैं आज का हमारा सेशन और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। सो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होगा, बुर्जिल होल्डिंग अ प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर इन द मीना रीजन हैज साइंड बॉलीवुड एक्टर डैश एज इट्स न्यू ब्रांड एम्बेसडर। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि मीना रीजन में जो एक प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करता है बुर्जिल होल्डिंग, उन्होंने इनमें से कौन से बॉलीवुड एक्टर को अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है वो साइन किया है। सो वो है ऑप्शन बी शाहरुख खान, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीना रीजन क्या होता है, मिडिल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका रीजन, ओके उसे मीना रीजन कहा जाता है। ओके सो शाहरुख खान जो है वो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ साथ एक और ब्रांड एम्बेसडर आपको ध्यान में रखना है कि इंडियन सुपर फूड ब्रांड पिंटोला फास्ट मूविंग कंज्यूमर फूड कंपनी अनाउंस अ रिनाउंड इंडियन फुटबॉल कैप्टन सुनील छेत्री एज अ ब्रांड एम्बेसडर। मतलब कि पिंटोला के जो ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं फुटबॉल इंडियन फुटबॉल की टीम के जो कैप्टन है सुनील छेत्री, उन्हें बनाया गया है। ओके सो साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। ओके बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी अपॉइंट फॉर्मर RBI डिप्टी गवर्नर BP कानूंगो एंड जोमैटो चेयरमैन कौशिक दत्ता टू बोर्ड। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि इनमें से ऐसी कौन सी कंपनी है जिन्होंने RBI के डिप्टी गवर्नर BP कानूंगो एंड जोमैटो के चेयरमैन कौशिक दत्ता को जो है नियुक्त किया है, तो वो है भारत पे, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस और हिंदी डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन डैश टू मार्क द पॉपुलैरिटी ऑफ हिंदी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। सो क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि हिंदी दिवस या फिर हिंदी डे जिसे कहा जाता है हर साल कौन से दिन मनाया जाता है ये हमें बताना है। सो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ई, दैट इज ऑन 14th of September को जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है, करेक्ट। सो ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, काफ़ी बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है सो ध्यान में रखना होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, INS सातपुरा एंड P8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट विल पार्टिसिपेट इन मल्टीनेशनल नेवल एक्स काकाडू इज होस्टेड बाय डैश। क्या बोला जा रहा है कि INS सातपुरा और P8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट ने पार्टिसिपेट किया है मल्टीनेशनल नेवल एक्स कड़ाकू एक्सरसाइज में, तो उस एक्स कड़ाकू एक्सरसाइज को किसने होस्ट किया है, ठीक है वो किसके द्वारा आयोजित किया गया है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कोलैबोरेशन विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी मीटी स्टार्टअप हब
will launch a program to support and accelerate XR technology startup across India. So question में ये बोला जा रहा है कि किस कंपनी के साथ कोलैब करके मीटी स्टार्टअप हब जो है वो लॉन्च किया जा रहा है जो कि सपोर्ट करता है XR टेक्नोलॉजी को, ठीक है, अक्रॉस द इंडिया. सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेटा. मेटा ने जो है कोलैब किया है मीटी के साथ. मीटी का फुल फॉर्म होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप. ओके, सो मेटा ने इसके साथ कोलैब करके स्टार्टअप हब जो है वो लॉन्च किया है जो कि सपोर्ट करेगा XR टेक्नोलॉजी, जो भी स्टार्टअप्स होंगे अक्रॉस इंडिया उन लोगों के लिए. ओके, सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा. साथ ही साथ आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के जो मिनिस्टर है वो है श्री राजीव चंद्रशेखर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी इज अपॉइंटेड एज द डैश अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. सो क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि मुकुल रोहतगी जो है ये सीनियर एडवोकेट है जिन्हें अपॉइंट किया गया है एज अ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो वो कितने नंबर के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट हुए हैं. आंसर हो जाएगा 14th, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा. देखिए, नॉट नेसेसरी आपको कौन से नंबर पे इन्हें नियुक्त किया गया ये पूछा जाएगा, आपको ये भी पूछा जा सकता है कि रिसेंटली कौन एज अ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट हुआ है, तो वो है मुकुल रोहतगी. तो आपको नाम भी ध्यान में रखना है, साथ ही साथ वो कौन से नंबर के बने ये भी ध्यान में रखना होगा, एंड उन्होंने किन को रिप्लेस किया है. उन्होंने के वेणुगोपाल को रिप्लेस किया है, वो पोस्ट जो है वो वैकेंट थी एंड उसी जगह पर ये अपॉइंट हुए हैं. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कितिबो मिलिट्री गैरिसन इन अरुणाचल प्रदेश हैज बिन रिनेम्ड एज. सो कितिबो मिलिट्री गैरिसन जो है अरुणाचल प्रदेश में है उसका नाम बदल दिया गया है, और बदल कर क्या रखा गया है ये क्वेश्चन में पूछा गया है. सो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन. ओके, सो जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन अभी नाम हो चुका है कितिबो मिलिट्री गैरिसन का. ओके, सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड अ यूनिक फार्म आईडी सिमिलर टू आधार नंबर टू द फार्मर्स ऑफ द स्टेट. क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जो कि प्रोवाइड कर रहा है यूनिक फार्मर आईडी जो कि सिमिलर रहेगा आधार नंबर के जैसा, और वो रहेगा जो भी फार्मर्स रहेंगे उन लोगों के लिए. ठीक है, सो ये कौन से स्टेट ने लाया ये हमें बताना है. आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जो है एक यूनिक फार्म आईडी जो है वो लेकर आया जो कि रहेगा जस्ट लाइक आधार नंबर. ओके, सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज बिकेम द फर्स्ट बैंक इन द कंट्री टू इशू एन इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी इन पार्टनरशिप विद नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड. देखिए, जितने भी फुल फॉर्म्स यहाँ पे आप लोगों को देखने मिल रहे हैं वो सारे फुल फॉर्म्स आप लोगों को ध्यान में रखने होंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में बहुत बार 2 से 3 क्वेश्चन इसी से आते हैं, और जो करंट इश्यूज हम लोग देखते हैं, जो करंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग देते हैं, उसी में से ही क्वेश्चन पिकअप किया जाता है. करेक्ट, सो आप लोगों को जब भी ऐसा कुछ जैसे हमने यहाँ पे NESL का फुल फॉर्म देखा है, तो आप लोगों को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना होगा, क्योंकि उनमें से ही एक पिक किया जाता है कि वॉट इज S स्टैंड फॉर या फिर वॉट इज EN स्टैंड फॉर. ओके, देखिए बहुत सिंपल होता है बट हमें कंफ्यूजन हो जाता है, वो कंफ्यूजन से इधर एक तो हम क्वेश्चन का आंसर मार्क नहीं करते या फिर जो गेस वर्क करते हैं वो रॉन्ग हो जाता है. तो ऐसा नहीं करना है, आप लोगों को जो भी फुल फॉर्म्स पता चल रहे हैं वो सारे अच्छी तरीके से ध्यान में रखने हैं. ओके, सो क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सी ऐसी फर्स्ट बैंक है हमारे कंट्री में जो कि इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी को इश्यू करेगा इन पार्टनरशिप विद नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड. ओके, सो वो है HDFC, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा. सो HDFC बैंक की CEO की बात की जाए तो वो शशिधर जगदीश ने, हेडक्वार्टर है मुंबई में एंड फाउंड किया गया था अगस्त 1994 में. ओके, सो बढ़ते आगे और देखते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज अनाउंस फर्स्ट एवर सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी. कौन सी स्टेट है जिसने अनाउंस किया है पहला सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी को, तो वो है गुजरात, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा. हमारी स्टेट में पहली बार जो है
सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी की जो है घोषणा की गई है गुजरात स्टेट द्वारा। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर है भूपेंद्र पटेल, उन्होंने अनाउंस किया है इस पॉलिसी को। ओके, एंड इनके साथ जब उन्होंने इस पॉलिसी का अनाउंस किया है तो इनके साथ साथ थे अजय देवगन एंड स्टेट गवर्नमेंट मिनिस्टर श्री पूर्णेश मोदी एंड श्री अरविंद रायानी। ओके, सो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच इनिशिएटिव इंडियन रेलवे फॉर द फर्स्ट टाइम हैज फ्लोटेड अ टेंडर टू इनवाइट प्राइवेट प्लेयर्स टू बिल्ड अ हाई स्पीड व्हील प्लांट। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि किस इनिशिएटिव के तहत इंडियन रेलवे फर्स्ट टाइम जो है हाई स्पीड व्हील प्लांट के लिए जो है टेंडर रिलीज कर रहा है। सो वो है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंडर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव इंडियन रेलवे जो है फर्स्ट टाइम हाई स्पीड व्हील प्लांट के लिए टेंडर जो है वो रिलीज कर रहा है। ओके, सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ port shipping and waterways will build the national maritime heritage complex with a total cost of 3500 crore rupees. So kya bola ja raha hai, kis site है इनमें से जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की है जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने जो है नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को बिल्ड किया है और उसके लिए जो लागत लगाई गई है वो है 3500 करोड़ रुपीज। सो वो साइट है लोथल। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडस वैले सिविलाइजेशन की जो लोथल साइट है वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने जो है नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को बिल्डअप करने के लिए 3500 करोड़ रुपीज की लागत जो है वो लगाई है। ओके, इस ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट will host Ranji Trophy matches for the first time. इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जो वेरी फर्स्ट टाइम रणजी ट्रॉफी को जो है होस्ट करने वाला है, वो है ऑप्शन डी सिक्किम। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। द स्टेट विल वेलकम द नॉर्थ ईस्ट टीम्स मिजोरम मणिपुर अरुणाचल प्रदेश एट द माइनिंग क्रिकेट ग्राउंड नियर रांगपो। सो मिजोरम मणिपुर अरुणाचल प्रदेश के टीम्स को जो है इनवाइट किया गया है एंड फर्स्ट टाइम जो है सिक्किम ने जो है रणजी ट्रॉफी को जो है होस्ट किया है। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हैज रेज डैश टू फंड बिजनेस ग्रोथ थ्रू द बेसिल 3 कंप्लायंट एडिशनल टियर 1 बॉन्ड्स। सो क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि बेसिल 3 कंप्लायंट एडिशनल टियर 1 बॉन्ड्स के माध्यम से बिजनेस में ग्रोथ करने के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने कितना अमाउंट जो है वो रेज किया है, ये पूछा जा रहा है। सो आंसर है 710 करोड़ रुपीज। ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 710 करोड़ रुपए जो है वो रेज किए हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के चेयरमैन एंड एमडी की बात की जाए तो श्री एस मोहनोत, हेडक्वार्टर है पुणे में, फाउंड किया गया था 16th of September 1935 को। ओके, सो बढ़ते आगे और देखते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल हैज लॉन्च प्रोग्राम सेतु इन सैन फ्रांसिस्को यूएस, व्हाट डज ई स्टैंड फॉर इन सेतु। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल जो है उन्होंने रिसेंटली सेतु प्रोग्राम को लॉन्च किया है सैन फ्रांसिस्को यूएस में। सो यहाँ पे पूछा जा रहा है ई क्या स्थान करता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए गाइस ये पूछा जा सकता है, नॉट नेसेसरी कि ई पूछा जाए, एस टी यू इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है या फिर कंप्लीट फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। हमें यहाँ पे क्योंकि ई पूछा गया तो आंसर हो जाएगा एंटरप्रेन्योर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेतु का फुल फॉर्म की अगर बात की जाए तो है सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योर्स फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड अपस्केलिंग, ये है सेतु का फुल फॉर्म। ये किनके द्वारा लॉन्च किया गया है, पीयूष गोयल द्वारा लॉन्च किया गया है, कहां पर, सैन फ्रांसिस्को यूएस में। ठीक है, ये क्या करने वाला है, इट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन अमेरिकन एंड इंडियन कंपनीज के बीच में जो है ये वर्क करेगा। ओके, इससे रिलेटेड मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन आप लोगों को एक्सेशन जो है स्कीम का प्रोवाइड किया है उसमें आप इसके बारे में डिटेल में जान सकते हो, जिसमें मैंने सारी स्कीम्स को कवर अप किया है पिछले 4 महीने की। सो स्कीम का अगर आप सेशन देखते हो तो आपकी सारी जो है क्लियरिटी आप लोगों को मिल जाएगी, साथ ही साथ 4 महीने का पूरा स्कीम्स का जो कंप्लीट सेशन है वो मैंने आपको दिया है, उस माध्यम से आपका रिविजन भी हो जाएगा। करेक्ट, सो यहाँ पे हमें ई स्टैंड फॉर पूछा था, दैट इज एंटरप्रेन्योर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप हैज सिक्योर इट्स फर्स्ट पेटेंट फॉर द डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इट्स 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन।
सो क्वेश्चन में बोला जा रहा है इनमें से कौन सा प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप है जिसने अपना फर्स्ट पेटेंट डिजाइन जो है जिसको सिक्योर किया है वो है अग्निकुल कॉस्मोस। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अग्निकुल कॉस्मोस जो है ये सब पहला प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप है जिसने अपना फर्स्ट पेटेंट जो है सिक्योर कर लिया फॉर द डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इट्स 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन। ओके, सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ सेफमा SAFEMA एपेलेट ट्रिब्यूनल चीफ। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुनीश्वर नाथ भंडारी। सेफमा का फुल फॉर्म है स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स एक्ट। ओके, सो ये उसका फुल फॉर्म है जो कि आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटेड एक्ट जो है वो सेफमा का जो है फुल फॉर्म है। एंड उनके जो न्यू प्रमुख के नाम पर नियुक्त किए गए हैं वो है मुनीश्वर नाथ भंडारी। ओके, ये मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी है। ओके, जिनको चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है सेफमा का। ओके, सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैज इनॉग्रेटेड इंडियाज लॉन्गेस्ट रबर डैम गयाजी डैम ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। देखिए गाइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार के जो चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, उन्होंने रिसेंटली इनॉग्रेट किया इंडिया का लॉन्गेस्ट रबर डैम जिसका नाम है गयाजी डैम। सो उन्हें कौन से रिवर में जो है इसका उद्घाटन किया है, सो वो है फाल्गु रिवर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी जो है बांध है ये गयाजी बांध, जिसका उद्घाटन जो है वो गयाजी रिवर के ऊपर जो है, गयाजी नदी के ऊपर जो है किया गया है। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार की कैपिटल की बात की जाए तो पटना है, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार है एंड गवर्नर है फागू चौहान। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा फोन पे हैज टोकनाइज्ड डैश क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स ऑन इट्स प्लेटफॉर्म इन अलाइन विद RBI मैंडेट फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। सो क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि फोन पे ने जो है कितना नंबर ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स को जो है टोकनाइज किया है अपने प्लेटफॉर्म पे फॉर द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इन कंप्लायंस विद RBI। आंसर हो जाएगा 14 मिलियन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग इज द न्यू चीफ ऑफ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट के जो न्यू चीफ अपॉइंट हुए वो इनमें से कौन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वॉल्कर टर्क जो है वो बने हैं न्यू चीफ ऑफ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट। सो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज बीन कॉन्फर्ड सिंगापुर प्रेस्टिजियस मिलिट्री अवार्ड द पिंगर जासा गेमिलांग टेटेरा और मेरिटोरियस सर्विस मेडल मिलिट्री MSMM। ठीक है, सो उसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी एडमायरल सुनीर लंबा जो है उन्हें सिंगापुर के प्रेस्टिजियस मिलिट्री अवार्ड जिसे कहा जाता है पिंगर जासा गेमिलांग टेटेरा और MSMM का फुल फॉर्म है मेरिटोरियस सर्विस मेडल मिलिट्री। तो देखिए, आप लोगों को MSMM का फुल फॉर्म ध्यान में रखना है अच्छी तरीके से, क्योंकि वो भी पूछा जा सकता है। अब ये किन्हें दिया गया, एडमायरल सुनील लंबा को ये दिया गया है जो कि फॉर्मर इंडियन चीफ ऑफ नेवल स्टाफ रह चुके हैं। ओके, सो उन्हें इस अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है। ओके, सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च एन एम्बिशियस स्कीम टू प्रोवाइड 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू नीडी फैमिलीज इन अर्बन एरियाज। सो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने लॉन्च किया है 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू नीडी फैमिलीज इन द अर्बन एरिया, वो है राजस्थान। ओके, सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी विल बिल्ड 3 GW factories टू मैन्युफैक्चर सोलर मॉड्यूल विंड टर्बाइन एंड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर। सो क्वेश्चन ये में बोला जा रहा है कि इनमें से ऐसी कौन सी कंपनी है जो 3 GW factories को बिल्ड करने वाला है टू मैन्युफैक्चर सोलर मॉड्यूल्स विंड टर्बाइंस एंड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर्स, तो वो है अदानी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अदानी जो है 3 GW factories को मैन्युफैक्चर करेगा एंड उसके लिए जो उसने इन्वेस्ट किया है वो 70 बिलियन डॉलर रुपीज जो है वो इन्वेस्ट किया है एंड बाय 2030 जो है ये कंप्लीट होने वाला है। ओके, सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, अदानी ग्रुप।
नेक्स्ट हम लोग कुछ बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में डिस्कस करेंगे। गाइज आप लोगों को ये बात ध्यान में रखनी होगी, अगर आप कोई भी बैंकिंग एग्जामिनेशन दे रहे हो, अगर आप लोग मेंस का एग्जाम दे रहे हो, तो आपको जितना हम लोग करंट अफेयर प्रिपेयर करते हैं उतना हमें बैंकिंग का भी पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि करंट अफेयर से क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं लेकिन बैंकिंग अवेयरनेस जो करंट से रिलेटेड होती है उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करेक्ट। सो उसको मैंने अलग से बाइफरगेट करके जो है सेशन आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया है, जिसमें जून जुलाई अगस्त मंथ का मैंने कवर अप करवाया हुआ है। एंड इसके प्रीवियस मंथ का पढ़ना चाहते हो तो उसके प्रीवियस मंथ का भी फ्रॉम जनवरी टू जून तक का वो भी मैंने कवर अप करवाया। सो ये अगर दो सेशन आप देखते हो, ये तो आप लोगों को जून जुलाई एंड अगस्त का बैंकिंग अवेयरनेस देगा, जिसमें आरबीआई एंड बैंकिंग रिलेटेड सारी न्यूज कवर अप होती है, इंपॉर्टेंट वन। एंड नेक्स्ट स्लाइड में अगर मैं मूव ऑन होती हूँ, मैं आपको ईच एंड एवरी करंट अफेयर के सेशन में मैं ये चार सेशन रिकमेंड करती हूँ, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है जिससे आपका बैंकिंग अवेयरनेस भी प्रिपेयर होता है एंड स्टैटिक बैंकिंग भी प्रिपेयर होता है। देखिए जो आपको लेफ्ट हैंड साइड नजर आ रहा है वो स्टैटिक बैंकिंग के दो सेशन है, जो राइट हैंड साइड नजर आ रहा है वो बैंकिंग अवेयरनेस का जन से लेके जून तक का सिक्स मंथ का बैंकिंग अवेयरनेस का सेशन है। इससे आप लोगों को क्या होगा कि करंट का जो बैंकिंग अवेयरनेस वो प्रिपेयर हो जाएगा दो सेशन में, एंड स्टैटिक बैंकिंग का जितना मैंने कवर अप करवाया वो और ये दो सेशन में कवर अप हो जाएगा। अपकमिंग डेज में मैं आप लोगों के लिए स्टैटिक बैंकिंग के और भी सेशंस प्रोवाइड करवाऊंगी, और भी कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने कवर अप नहीं करवाए वो भी सारे कवर अप करवाऊंगी आप लोगों की मेंस एग्जामिनेशन से पहले। सो स्टे ट्यून फॉर दैट, एंड इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा सो दैट आप लोगों को जब भी मैं वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। नोटिफिकेशन बेल को भी आपको प्रेस करना होगा, न्यू सेशन आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, सो दैट आप देख कर जाओगे तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। ओके, सो बैंकिंग अवेयरनेस का सेशन जो है वो जल्दी आप लोगों को मिलने वाला है। स्टैटिक बैंकिंग के कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और आपकी अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगी। अभी आप लोगों का आरआरबी पीओ का मेंस है, आरआरबी क्लर्क का मेंस है, उसी के साथ साथ एसबीआई का भी नोटिफिकेशन आ चुका है। अभी बैंकिंग की कंटिन्यूसली एग्जामिनेशन होने वाली है और इसीलिए आप लोगों को जो प्रिपरेशन है वो अच्छी तरीके से अभी कंटिन्यू करना है। ओके, सो ये था ऑल अबाउट बैंकिंग अवेयरनेस एंड स्टैटिक बैंकिंग। जो चार सेशन मैंने बताया वो ज़रूर बिफोर एग्जामिनेशन देख कर जाइएगा, बहुत बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए। ओके, सो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज़ लॉन्च अ रेनबो सेविंग अकाउंट एक्सक्लूसिवली फॉर द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। क्या बोला गया है कि इनमें से कौन सी स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसने लॉन्च किया है रेनबो सेविंग अकाउंट को, जो कि स्पेशली ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए जो है लॉन्च किया गया है। सो इस बैंक का नाम है ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका जो हेडक्वार्टर है वो थ्रीसूर में है एंड फाउंड किया गया था 10th of March 2017 को। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन 2021 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिलीज बाय द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। सो हमारा रैंक पूछा जा रहा है इंडिया का इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, जो कि रिलीज किया जाता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा। HDI को कौन रिलीज करता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम रिलीज करता है। तो इंडिया का रैंक है 132nd। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मैं टॉप कंट्री की बात करूँ तो वो स्विट्जरलैंड है, सेकेंड पे नॉर्वे है एंड थर्ड पे आइसलैंड है। ओके, सो टॉप थ्री कंट्रीज एंड हमारा जो रैंक है वो है 132 रैंक। ओके, सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, DRDO एंड डैश कंडक्टेड 6 फ्लाइट टेस्ट ऑफ क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम फ्रॉम इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चंदीपुर ऑफ उड़ीसा कोस्ट। सो क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि DRDO ने किसके साथ मिलकर जो है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल जो 6 फ्लाइट इनकी टेस्ट फायर की है उड़ीसा कोस्ट से, ठीक है। सो DRDO ने इंडियन आर्मी के साथ मिलकर जो है QRSAM जो है उसकी 6 फ्लाइट को जो है टेस्ट फायर किया है, कहाँ से? उड़ीसा कोस्ट से। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको QRSAM का क्वेश्चन जो फुल फॉर्म है वो पूछा जा सकता है, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है। QRSAM का फुल फॉर्म अच्छी तरीके से ध्यान में रखना होगा। और DRDO ने किसके साथ मिलकर किया? ये इंडियन आर्मी के साथ मिलकर जो है 6 फ्लाइट को जो है टेस्ट फायर किया है, कहाँ से किया है? उड़ीसा कोस्ट से किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, द 31st वास सम्मान वॉज कॉन्फर्ड ऑन टू वेल नोन हिंदी राइटर डॉक्टर असगर
वजाहत फॉर इस प्ले डैश। सो 31st वैस सम्मान जो है वेल नोन हिंदी राइटर डॉक्टर असगर वजाहत को उनके कौन से नाटक के लिए दिया गया, ये पूछा जा रहा है। दैट इज़ ऑप्शन सी, महाबली के लिए उन्हें ये अवार्ड जो है दिया गया है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह, हेल्थ सेक्टर इन इंडिया टू रीच $50 बिलियन बाय डैश। सो यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जो है जिन्होंने ऐसा कहा है कि हेल्थ सेक्टर जो है इंडिया का वो $50 बिलियन कब तक रीच करेगा, उनके हिसाब से 2025 तक जो है हेल्थ सेक्टर $50 बिलियन को रीच करेगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। रिसेंटली जितेंद्र सिंह से रिलेटेड एक और न्यूज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जितेंद्र सिंह ने जो है इंस्पायर अवार्ड 60 स्टार्टअप्स को प्रेजेंट किए, साथ ही साथ उन्होंने फाइनेंशियल सपोर्ट भी किया है 53,021 स्टूडेंट्स को। कैसे, आप लोगों को ये कहना चाहूँगी, जब COVID-19 था उस टाइम पे अलग कॉम्पिटिशन भी हुई थी, जिस कॉम्पिटिशन पे 6.53 लाख आइडियाज अलग अलग इनोवेशन अलग अलग स्टेट्स एंड यूटी से जो है प्रेजेंट किए गए थे। सो उसी के लिए जो है आउट ऑफ 6.53 लाख स्टूडेंट्स 53,021 स्टूडेंट को जो है 10,000 रुपीज़ देकर जो है फाइनेंशियल सपोर्ट किया गया है एंड 60 स्टार्टअप्स को जो है इंस्पायर अवार्ड दिया गया है। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ मनक का फुल फॉर्म आप लोगों को ध्यान में रखना है, मिलियन माइंड्स ऑग्यूमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशनल एंड नॉलेज। ठीक है, सो ये कॉम्पिटिशन हुआ था जिसमें 6.53 लाख जो कैंडिडेट थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ओके, सो उनमें से 53,021 स्टूडेंट को जो है 10,000 रुपीज देकर फाइनेंशियल सपोर्ट दिया गया है। ओके, और ये जितेंद्र सिंह ने जो है प्रेजेंट किया है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, अकॉर्डिंग टू द नीति आयोग रिपोर्ट टाइटल प्रिजर्विंग प्रोग्रेस ऑन न्यूट्रिशन इन इंडिया पोषण अभियान इन पेंडेमिक टाइम्स विच स्टेट रैंक फर्स्ट इन द लार्जेस्ट स्टेट कैटेगरी इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेंटर फ्लैगशिप पोषण अभियान। सो क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि नीति आयोग के अनुसार जो है प्रिजर्विंग प्रोग्रेस ऑन न्यूट्रिशन इन इंडिया पोषण अभियान इन पेंडेमिक टाइम्स, मतलब पेंडेमिक टाइम जब था उस टाइम पे जब पोषण अभियान हुआ था उनमें से इनमें से ऐसी कौन सी स्टेट है जो कि लार्जेस्ट स्टेट कैटेगरी में आती है और उसने उसमें फर्स्ट रैंक किया है इन द ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेंट्रल फ्लैगशिप पोषण अभियान। सो वो स्टेट है ऑल ऑफ दिस, दैट इज आंध्र प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। ये तीनों के तीनों स्टेट जो है इन तीनों ने लार्ज स्टेट कैटेगरी में जो है टॉप किया है। ओके, सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन बैंक इंडिया विल सरप्रास जर्मनी इन 2027 एंड जापान बाय 2029 एट करंट रेट ऑफ द ग्रोथ एंड बिकम वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। क्या बोला जा रहा है, इनमें से कौन से इंडियन बैंक के अनुसार जो है इंडिया सरपास करेगा जर्मनी को 2027 में एंड जापान को 2029 में। ठीक है, एंड उसी के साथ इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की पोजीशन पे आ जाएगा, ये सब कौन से बैंक ने प्रेडिक्ट किया है हमें बताना है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, SBI ने ऐसा प्रेडिक्ट किया है कि इंडिया सरपास करेगा जर्मनी को इन 2027 एंड जापान को इन 2029 एंड उसी के साथ जो है वो वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है वो बनेगा। ओके, सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, As a part of the financial inclusion drive, public sector bank will open 300 branches in unbanked area of various state by which year. So, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो 300 ब्रांचेस वो ओपन करेगा अलग अलग स्टेट्स में, कितने वर्ष तक वो ये 300 ब्रांचेस को अनबैंक एरियाज में जो है अलग अलग स्टेट में जो है ओपन करेगा एज अ फाइनेंशियल इंक्लूसिव ड्राइव। सो वो है December 2022। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ये जो न्यू ब्रांचेस है ये कवर करेगी जहाँ पे पॉपुलेशन 3,000 से ज़्यादा है वहाँ पर ये अनबैंक विलेजेस जो है वहाँ पर इस ब्रांचेस को जो है लाया जाएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ 95 ब्रांचेस जो है वो राजस्थान में ओपन की जाएगी, फॉलोड बाय 54 इन मध्य प्रदेश। पब्लिक सेक्टर बैंक विल ओपन 38 इन गुजरात, 33 इन महाराष्ट्र एंड 32 इन झारखंड एंड 31 इन उत्तर प्रदेश, ऐसा बोला गया है। ओके, सो ये थे हमारे क्वेश्चंस सेप्टेम्बर मंथ के, फ्रॉम 1st ऑफ सेप्टेम्बर टू 15th ऑफ सेप्टेम्बर। ओके, क्योंकि आप लोगों के एग्जामिनेशन अभी रिसेंटली सेप्टेम्बर मंथ में ही है, RRB क्लर्क की मेंस के एग्जामिनेशन, इसलिए मैंने सेप्टेम्बर का हाफ मंथ आप लोगों के लिए प्रिपेयर करवाया है।
सो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एंड मैं आप लोगों को जो वीडियो प्रोवाइड करती हूँ, आप लोगों को सभी को पता है हम बुलेट न्यूज़ भी डिस्कस करते हैं, जिसमें हमने बहुत सारा डेटा डिस्कस करते हैं, करेक्ट. सो कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं, कुछ बुलेट न्यूज़ पढ़ते हैं. अब बारी है बुलेट न्यूज़ की, एंड सबसे पहले हम लोग देखेंगे नेशनल न्यूज़ को. देखिए गाइस, कहीं पे भी स्किप मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ को अलग अलग जो टॉपिक्स होते हैं उसमें मैंने कवर अप करवाया है. कहीं पे भी स्किप नहीं करना है, सारी चीज़ें अच्छी तरीके से सुननी है और अच्छी तरीके से नोट डाउन करनी है और माइंड में कैप्चर करनी है. सबसे पहला न्यूज़ देखते हैं, जेएंडके पुलिस लॉन्च ऑनलाइन मोबाइल ऐप जेके इकॉप. सो जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है उन्होंने लॉन्च किया एक मोबाइल एप्लीकेशन जेके इकॉप को, ओके. देन है रिलायंस इंडस्ट्रीज टू बिल्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट कार्बन फाइबर प्लांट इन हजीरा गुजरात. सो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट कार्बन फाइबर प्लांट जो है हजीरा गुजरात में जो है वो बिल्ड किया है. इंडिया रेलवे सेटअप मेघदूत मशीन्स एट मुंबई स्टेशन. इंडियन रेलवे ने सेटअप किया है मेघदूत मशीन्स को, कहाँ पे? मुंबई स्टेशन में. इंडिया फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन अगेंस्ट सर्वाइकल कैंसर लॉन्च. सो इंडिया का ये पहला वैक्सीन है सर्वाइकल कैंसर के लिए, ठीक है, सर्वाइकल कैंसर के लिए इंडिया का ये पहला वैक्सीन है जिसका नाम है क्वाड्रीवेलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस. फुल फॉर्म ध्यान में रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके. नेक्स्ट है इंडिगो जॉइंट सस्टेनेबल इनिशिएटिव ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो सस्टेनेबल इनिशिएटिव है उसको किसने ज्वाइन किया है? इंडिगो ने ज्वाइन किया है, ओके. देन अरविंद केजरीवाल लॉन्च इंडियाज फर्स्ट वर्चुअल स्कूल फॉर चिल्ड्रन. अरविंद केजरीवाल ने जो है इंडिया का पहला वर्चुअल स्कूल जो है स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च किया है, ओके. देन नेक्स्ट है इंडिया एयर ट्रैफिक टू सर्च नियरली 7% टू 2040 बोइंग इंडिया. सो इंडिया का जो एयर ट्रैफिक जो है वो 7% जो है वो 2040 तक जो है वो सर्च करेगा, मतलब कि बढ़ेगा. ऐसा किसने कहा है? बोइंग इंडिया ने कहा है. नेक्स्ट है अगारीरियन फेस्टिवल नौखाई सेलिब्रेटेड इन उड़ीसा. उड़ीसा में जो है नौखाई फेस्टिवल जो है नौखाई उसे सेलिब्रेट किया जाएगा, सेलिब्रेट किया गया है. 15th ऑल मणिपुर शुमांग लीला फेस्टिवल 21-22 स्टार्टेड इन इम्फाल. सो 15th ऑल मणिपुर शुमांग लीला फेस्टिवल जो है इम्फाल में स्टार्ट किया गया. त्रिपुरा सेटअप इंडियाज फर्स्ट बायो विलेज एट दासपारा विलेज. त्रिपुरा ने अपना पहला बायो विलेज जो है वो सेटअप किया है, कहाँ पे? दासपारा विलेज में. इंडिया एंड यूके कंडक्ट मेगा साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज फॉर 26 कंट्री. इंडिया एंड यूके ने साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज को 26 कंट्रीज में जो है कंडक्ट करा है. स्टरलाइट पावर कमीशन 400 किलोवाट ट्रांसमिशन लाइंस इन गुजरात. सो स्टरलाइट पावर जो है उसने 400 किलोवाट ट्रांसमिशन लाइंस जो है वो गुजरात में कमीशन करवाया. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इम्पोज्ड अ पेनाल्टी ऑफ 3500 करोड़ ऑन वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट फॉर वेस्ट मैनेजमेंट फेल्यूअर. सो एनजीटी ने इम्पोज किया है 3500 करोड़ का पेनाल्टी किस पे? वेस्ट बंगाल पे, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट पे, फॉर द वेस्टेज मैनेजमेंट के लिए, वेस्ट मैनेजमेंट फेल्यूअर के लिए उन्होंने 3500 करोड़ का जो है पेनाल्टी जो है एनजीटी ने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट पे इम्पोज किया है. मास्टर कार्ड रिप्लेस पेटीएम एज अ टाइटल स्पॉन्सर ऑफ बीसीसीआई. मास्टर कार्ड ने रिप्लेस किया है पेटीएम को और वो बीसीसीआई को स्पॉन्सर करेगी. नेक्स्ट पेज पे एक और बारी हम लोग नेशनल न्यूज़ को कवर अप करेंगे. यूआईडीए, ठीक है, यूआईडीए को फॉर्म क्या होता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट. इसने टॉप किया है ग्रीवेंस रिड्रेसल इंडेक्स में, वॉज पब्लिश बाय, इसे पब्लिश कौन करता है ग्रीवेंस रिड्रेसल इंडेक्स को? डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, ओके. सो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, यूआईडीए ने टॉप किया है इन ग्रीवेंस रिड्रेसल इंडेक्स में. यूआईडीए कब फाउंड हुआ था? 28th of January 2009 को, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, ओके. नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट एलएनजी फ्यूल ग्रीन ट्रक लॉन्च बाय ब्लू एनर्जी मोटर. सो ब्लू एनर्जी मोटर द्वारा जो है इंडिया का पहला एलएनजी फ्यूल ग्रीन ट्रक को लॉन्च किया गया है. सो नेक्स्ट है हमारा उत्तराखंड एजुकेशन डिपार्टमेंट लॉन्च ई गवर्नेंस पोर्टल समर्थ. समर्थ जो है ये एक ई गवर्नेंस पोर्टल उत्तराखंड एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है. इंडियाज फर्स्ट एनईपी 2020 कंप्लायंट लॉ स्कूल लॉन्च बाय इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड लर्निंग इन मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी, मतलब कि IILM यूनिवर्सिटी द्वारा जो है इंडिया का फर्स्ट एनईपी 2020 कंप्लायंट लॉ स्कूल जो है वो लॉन्च किया गया है. कर्नाटका गवर्नमेंट लॉन्च ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज वेंटूराइज. वेंटूराइज जो है कर्नाटका गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया एक ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज है. नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट नाइट स्काई सेंचुरी टू बी सेटअप इन लद्दाख. इंडिया का पहला नाइट स्काई सेंचुरी जो है सेटअप किया जाएगा लद्दाख में. अमित शाह लॉन्च मास्कॉट ऑफ 36 नेशनल गेम्स इन अहमदाबाद. अमित शाह ने जो है लॉन्च किया है
मैस्कॉट को 36 नेशनल गेम्स इन अहमदाबाद में जो होने वाला है उसके मैस्कॉट को जो लॉन्च किया है वो अमित शाह ने किया है. ओके, भरतौल बिकम्स फर्स्ट विलेज इन उत्तर प्रदेश टू हैव आरओ वाटर इन एवरी हाउस होल्ड. देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश का जो भरतौल है वहाँ पे ये पहला ऐसा विलेज बन गया है कि जहाँ पे हर एक हाउस होल्ड में आरओ वाटर को जो है प्रोवाइड किया गया है. मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी बिकम्स 29 डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़. छत्तीसगढ़ का ये 29 डिस्ट्रिक्ट बना है मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी, वेरी इंपॉर्टेंट. गवर्नमेंट अप्रूव सेलिब्रेटिंग हैदराबाद लिबरेशन डे ऑन 17th ऑफ सेप्टेम्बर को जो है हैदराबाद लिबरेशन डे जो है वो मनाने के लिए गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है. राजपथ एंड सेंट्रल वीज़ा लॉन्स इन दिल्ली टू बी रिनेम्ड एज कर्तव्य पथ. सो राजपथ एंड सेंट्रल वीज़ा लॉन्स जो है दिल्ली में उसको रिनेम किया गया है, उसका नाम रख दिया गया है कर्तव्य पथ. CJA चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी सेंटर फॉर सिटीजन सर्विसेज. सो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उन्होंने इनॉग्रेट किया है नालसा सेंटर्स को सिटीजन सर्विसेज के लिए. फुल फॉर्म ध्यान में रखना है नालसा का, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 इन ग्रेटर नोएडा एंड द थीम ऑफ द समिट इज डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लिवलीहुड. सो मोदी जी ने जो है वर्ल्ड डेयरी समिट को जो है ग्रेटर नोएडा में इनॉग्रेट किया एंड इस समिट का जो थीम था वो था डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लिवलीहुड. ये थी हमारी नेशनल न्यूज़. बढ़ते हम लोग इंटरनेशनल न्यूज़ की ओर. फर्स्ट होम्योपैथी इंटरनेशनल हेल्थ समिट हेल्ड इन दुबई. दुबई में फर्स्ट होम्योपैथी इंटरनेशनल हेल्थ समिट जो है वो हेल्ड किया गया. इंडिया ओवरटेक यूके टू बिकम फिफ्थ बिगेस्ट इकोनॉमी. इंडिया ओवरटेक कर रहा है यूके को और वर्ल्ड का फिफ्थ बिगेस्ट इकोनॉमी जो है वो बनेगा. इंडिया एंड यूएई साइन एमओयू टू एस्टैब्लिश कल्चरल काउंसिल फोरम. इंडिया एंड यूएई ने साइन किया है एमओयू टू एस्टैब्लिश कल्चरल काउंसिल फोरम. इंडिया टू होस्ट क्वाड सीनियर ऑफिशियल मीटिंग इन न्यू दिल्ली. इंडिया होस्ट करेगा क्वाड सीनियर ऑफिशियल मीटिंग को दिल्ली में. डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह अलॉन्ग विद द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर हैज पार्टिसिपेटेड इन द सेकेंड इंडिया जापान 2+2 मल्टी मिनिस्ट्रियल डायलॉग इन टोक्यो. वेरी इंपॉर्टेंट, राजनाथ सिंह के साथ साथ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया है सेकेंड इंडिया जापान 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग कहाँ पे, टोक्यो में. वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना होगा. ठीक है, नेक्स्ट जो है कुछ MOUs है हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. MOUs जो साइन हुए, टाटा स्टील साइन एन MOU विद पंजाब गवर्नमेंट टू सेटअप अ स्टील प्लांट इन लुधियाना. देखिए साथ में इसीलिए रखा है ताकि कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए. ओके, सो टाटा स्टील ने किसके साथ MOU साइन किया, पंजाब गवर्नमेंट के साथ, जिसके साथ वो क्या करेगा, स्टील प्लांट को सेटअप करेगा कहाँ पे, लुधियाना में. कैबिनेट अप्रूव साइनिंग MOU बिटवीन इंडिया एंड नेपाल ऑन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन. कैबिनेट ने अप्रूव किया है इंडिया एंड नेपाल का जो MOU हुआ, ठीक है, किस पर, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए. NHPC साइन है MOU विद PTC इंडिया लिमिटेड फॉर सेल ऑफ पावर. NHPC ने MOU PTC के साथ जो है वो साइन किया है किसके लिए, सेल ऑफ पावर के लिए. ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन साइन एन एग्रीमेंट विद अडोब टू एनहांस डिजिटल लिटरेसी इन इंडिया. सो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन जो है उसने अडोब के साथ जो है एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत डिजिटल लिटरेसी को जो है एनहांस किया जाएगा. एथलेट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया पार्टनर विद HSBC टू सपोर्ट अ यंग वुमेन एथलेट्स. AFI जो है एथलेट फेडरेशन ऑफ इंडिया उसने पार्टनरशिप किया है HSBC के साथ जिसके तहत वो यंग वुमेन एथलेट्स को जो है सपोर्ट करेगा. POSCO साइन एन MOU विद ग्रीन को टू मेक अ ग्रीन हाइड्रोजन. POSCO क्या होता है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसो एक्ट. ठीक है, इसने किसके साथ MOU साइन किया है, ग्रीनको के साथ, जिसके साथ वो क्या करने वाले हैं, ग्रीन हाइड्रोजन को जो है बनाने वाले हैं. सुजुकी साइन एन MOU विद नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड फॉर बायोगैस डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट. सुजुकी ने MOU साइन किया है NDDB के साथ, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ, फॉर द बायोगैस डेमोन्स्ट्रेशन, बायोगैस के डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट के लिए सुजुकी ने NDDB के साथ MOU साइन किया है. BEL साइन एन MOU विद स्मीथ्स डिटेक्शन टू मैन्युफैक्चरिंग स्कैनिंग सिस्टम. सो स्कैनिंग सिस्टम को मैन्युफैक्चर करने के लिए BEL ने MOU साइन किया है स्मिथ के साथ. ओके, सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट MOUs. बढ़ते आगे और देखते हैं नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज. HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस हैज रोप्ड इन गूगल क्लाउड टू बिल्ड एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर सेलिंग इंश्योरेंस. सो HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस जो है
उसने गूगल क्लाउड के साथ मिलकर एक प्लेटफॉर्म बनाया है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर सेलिंग इंश्योरेंस. ओके, नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन NMDFC, फुल फॉर्म ध्यान में रखना होगा, साइन एन एग्रीमेंट विद ICICI बैंक फॉर डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग सॉफ्टवेयर. सो NMDFC ने एग्रीमेंट साइन किया है ICICI बैंक के साथ, जिसके साथ क्या करेगा वो बैंकिंग सॉफ्टवेयर को डेवलप करेगा. महिंद्रा फाइनेंस पार्टनर्ड विद CRIF सॉल्यूशन फॉर क्विकर लोन अप्रूवल्स. ये देखिए, ये भी कुछ पार्टनरशिप वाले ही क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैंने वो MOUs में इसलिए नहीं डाला बिकॉज इट इज रिलेटेड टू बैंकिंग एंड फाइनेंशियल. करेक्ट, इसलिए ध्यान में रखना होगा कि महिंद्रा फाइनेंस जो है उन्होंने पार्टनरशिप किया है CRIF के साथ. CRIF क्या होता है? कार्गो राउटिंग इन्फॉर्मेशन फाइल. ठीक है, उसके साथ पार्टनरशिप करके क्विकर लोन को है अप्रूवल प्रोवाइड किया जाएगा. देन मुथूट फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने जो है पार्टनरशिप किया है IME इंडिया के साथ फॉर द मनी ट्रांसफर सर्विसेज टू नेपाल. सो मुथूट फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने पार्टनरशिप किया है IME इंडिया के साथ, जिसके तहत जो है जो मनी ट्रांसफर होता है नेपाल को, उसकी सर्विस जो है वो प्रोवाइड की जाएगी. मनी ट्रांसफर टू नेपाल के लिए मुथूट ने IME के साथ पार्टनरशिप किया है. नेक्स्ट है इंडसइंड बैंक पार्टनर विद ADB टू सपोर्ट सप्लाई चेन फाइनेंसिंग. इंडसइंड बैंक ने ADB के साथ किया है पार्टनरशिप, जिसके तहत चेन फाइनेंसिंग को जो है उसका सप्लाई जो है उसके लिए सपोर्ट किया जाएगा. चेन फाइनेंसिंग के सप्लाई के लिए सपोर्ट किया जाएगा. नेक्स्ट है PSU बैंक टू ओपन अबाउट 300 ब्रांचेस इन अनबैंक एरिया बाय डिसंबर 2022. ये तो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कवर करवाया कि PSU बैंक जो है पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो 300 ब्रांचेस जो है वो ओपन करेगी इन अनबैंक एरियाज बाई द ईयर 2022, दिसंबर 2022 तक जो है 300 ब्रांचेस को ओपन किया जाएगा. HDFC Ergo टू बिल्ड ऑनलाइन इंश्योरेंस पोर्टल ऑन गूगल क्लाउड. सेम न्यूज़ हमने कवर करी है ऊपर. HDFC Ergo ने जो है इंश्योरेंस पोर्टल जो है वो बिल्डअप किया है ऑन गूगल क्लाउड. PNB MetLife लॉन्च यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान. PNB MetLife ने जो है लॉन्च किया है न्यू इंश्योरेंस प्लान, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान को. ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक लॉन्च रेनबो अकाउंट फॉर द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी. ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि ESAF जो फाइनेंस बैंक है उसने रेनबो अकाउंट स्पेशली जो है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए लॉन्च किया है. IDFC फर्स्ट पार्टनर विद ONDC ऑन बाय एंड सेल साइड एप्लीकेशन. IDFC फर्स्ट बैंक ने पार्टनरशिप किया है ONDC के ऑन बाय एंड सेल ऑफ साइड एप्लीकेशन. नेक्स्ट है CCI कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया फाइनली अलाउ 100% ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ इंडिया ideas.com बिल्डिंग बाय PayU पेमेंट्स. सो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अलाउ किया है 100% ऑफ इक्विटी शेयर किसका? IndiaIdeas.com का बाय द PayU पेमेंट्स. नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ अपॉइंटमेंट्स की और. वसुधा गुप्ता अपॉइंटेड एज अ DG ऑफ न्यू सर्विस डिवीजन ऑफ एयर. सो वसुधा गुप्ता जो है वो अपॉइंट हुई है एज अ DG ऑफ न्यू सर्विस डिवीजन ऑफ एयर. ओके, नेक्स्ट है यमुना कुमार चौबे अपॉइंटेड एज अ CMD ऑफ नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन. NHPC के CMD न्यू अपॉइंट हुए यमुना कुमार चौबे, वेरी इंपॉर्टेंट. सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अपॉइंटमेंट रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ को. वसुधा गुप्ता अपॉइंटेड एज अ DG ऑफ न्यू सर्विस डिवीजन ऑफ एयर. सो डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुई है न्यू सर्विस डिवीजन ऑफ एयर की वसुधा गुप्ता. यमुना कुमार चौबे अपॉइंटेड एज अ CMD ऑफ NHPC. NHPC के जो CMD अपॉइंट हुए है वो है यमुना कुमार चौबे. नेक्स्ट है कृष्णन शंकर सुब्रमण्यम अपॉइंटेड एज अ MD & CEO ऑफ द तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक. सो तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के जो न्यू MD CEO अपॉइंट हुए वो है कृष्णन शंकर सुब्रमण्यम, वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट जज DY चंद्रचूड अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी. नालसा के जो न्यू चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं वो सुप्रीम कोर्ट जज DY चंद्रचूड अपॉइंट हुए हैं. किच्चा सुदीप अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पुण्यकोटी दत्तू योजना. पुण्यकोटी दत्तू योजना के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं किच्चा सुदीप. लीज ट्रस इलेक्टेड एज अ न्यू PM ऑफ UK. UK की न्यू PM बनी है लीज ट्रस्ट. नेक्स्ट है बिनेश कुमार त्यागी अपॉइंटेड एज अ CMD ऑफ शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. सो शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन एंड MD अपॉइंट हुए हैं बिनेश कुमार त्यागी. सो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स. बढ़ते आगे और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज अवार्ड्स. मिनिस्टर ऑफ फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर हरदीप सिंह पुरी एज प्रेजेंटेड स्मार्ट सॉल्यूशन चैलेंज एंड इंक्लूसिव सिटीज अवार्ड 2022. सो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के जो मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी उन्होंने प्रेजेंट किया है स्मार्ट सॉल्यूशन चैलेंज एंड इंक्लूसिव Cities Awards 2022. Barack Obama won Emmy Award for the narration in Netflix documentary series Our Great National Park. So Barack Obama जो है उन्हें Emmy Award जो है वो दिया गया, उन्हें वो जीता है for his narration in Netflix documentary series जिसका नाम है Our Great National Park. The Raman Magsaysay Award Foundation has announced the winners of the 64th Raman Magsaysay Award 2022. So Raman Magsaysay Award जो है वो दिए गए 64th. So उसमें important one हम लोग discuss कर लेते हैं. सोथेरा
थीम जो है फॉर द मेंटल हेल्थ दिया गया. देन बर्नाडेट मैड्रिड जो है जो कि फिलीपींस से है फॉर द एफर्ट इन चाइल्ड प्रोटेक्शन. देन तदाशी हटोरी जो जापान से बिलोंग करते हैं उन्हें फॉर द ट्रेनिंग लोकल डॉक्टर हु हैव ट्रीटेड वियतनामीज. गैरी बेंजगीप जो कि इंडोनेशिया से थे फॉर द फाइट अगेंस्ट मराइन प्लास्टिक पोल्यूशन. सो ये कुछ इंपॉर्टेंट रमन मैगसेसे अवार्ड्स है. सोथियारा को दिया गया, देन बर्नाडेट को दिया गया, देन तदाशी को दिया गया एंड गैरी को दिया गया. तो ये उनको किसके लिए दिए गए ये आप लोगों को ध्यान में रखना है. साथ ही साथ वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं ये ध्यान में रखना होगा. ये अवार्ड जो है द अवार्ड इज नेम्ड आफ्टर रमन मैगसेसे द सेवेंथ प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ फिलीपींस. ये जो फिलीपींस के प्रेसिडेंट सेवेंथ रह चुके हैं एंड उन्हीं के नाम पर जो है ये अवार्ड दिया जाता है. इट इज़ द एशियाज नोबेल प्राइज एंड पहली बार ये 1958 में दिया गया था. ओके, नेक्स्ट कैटेगरी हमारी स्पोर्ट्स. स्पोर्ट्स में सबसे पहला पॉइंट है वीडियो असिस्टेंस रेफरी VAR टेक्नोलॉजी टू मेक अ डेब्यू इन फीफा अंडर 17 वर्ल्ड विमेंस वर्ल्ड कप इन इंडिया. सो VAR टेक्नोलॉजी ने डेब्यू किया है इन फीफा अंडर 17 विमेन वर्ल्ड कप इंडिया. ठीक है, VAR टेक्नोलॉजी वीडियो असिस्टेंस रेफरी वेरी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म पूछा जा सकता है. अगेन मैं आप लोगों को बार बार जब भी इम्पॉर्टेंट ये कहती हूँ ना तो स्पेशली आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना होगा. आप लोगों को पूछा जा सकता है कौन सी टेक्नोलॉजी डेब्यू कर रही है इन फीफा अंडर 17 विमेंस वर्ल्ड कप इन इंडिया, दैट इज VAR टेक्नोलॉजी. एंड उसमें से एक पर्टिकुलर वर्ड व्हाट इज आर स्टैंड फॉर या फिर व्हाट इज वी स्टैंड फॉर या फिर व्हाट इज ए स्टैंड फॉर पूछा जा सकता है. ओके, सो अच्छी तरीके से ध्यान में रख लीजिए. रोहित शर्मा बिकम फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर 3500 रन इन T20 मैचेस. रोहित शर्मा जो है पहले प्लेयर बन चुके हैं जिन्होंने 3500 रन जो है वो स्कोर किए इन T20 मैचेस. Max Verstappen won Dutch F1 Grand Prix. Max Verstappen ने Dutch F1 Grand Prix जो है वो जीता है. सुरेश रैना डन फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट इंक्लूडिंग IPL. IPL को भी इंक्लूड करते हुए सारे फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है सुरेश रैना ने. हमारे इंडियन क्रिकेट टीम से ये बिलोंग करते थे. बांग्लादेश क्रिकेट मुशफ़िकुर रहीम अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम T20. सो बांग्लादेश क्रिकेटर मुशफ़िकुर रहीम जो है उन्होंने भी रिटायरमेंट ले लिया है T20 से. इंडियन ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम वन दुबई ओपन चेस टूर्नामेंट. दुबई का ओपन चेस टूर्नामेंट किसने जीता है? अरविंद चिदम्बरम ने. सो नेक्स्ट कैटेगरी हमारा वो है स्कीम्स. स्कीम्स की बात की जाए तो ये मैं आप लोगों को सितंबर मंथ का स्कीम प्रोवाइड कर रही हूँ. मैं जैसे कि आप लोगों का कि स्कीम का सेशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड किया है जिसमें मैंने जून जुलाई अगस्त एंड सितंबर ये चार मंथ की स्कीम्स को कवर करवाया है. यहाँ पे हम लोग सिर्फ सितंबर मंथ की स्कीम्स की डिस्कस करेंगे, बट अगर आप प्रीवियस और 3 मंथ्स का पढ़ना चाहते हो तो वो सेशन ज़रूर देखिएगा जो कि आपको काफ़ी मदद करेगा, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट स्कीम्स को कवर अप करवाया है. ओके, सो सबसे पहले बात की जाए राजस्थान गवर्नमेंट लॉन्च महिला निधि स्कीम टू सपोर्ट विमेन एंटरप्रेन्योर्स. सो राजस्थान गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है महिला निधि को जो कि विमेन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करेगा. मेघालय CM लॉन्च रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम फॉर द फार्मर वेलफेयर. सो मेघालय के चीफ मिनिस्टर जो है उन्होंने रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम्स को जो है लॉन्च किया है फॉर द फार्मर वेलफेयर. यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन लॉन्च न्यू रिसर्च ग्रांट एंड फेलोशिप स्कीम. यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है उन्होंने लॉन्च किया है न्यू रिसर्च एंड ग्रांट फेलोशिप स्कीम्स को. राजस्थान ने लॉन्च किया है अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम को. उड़ीसा गवर्नमेंट हैज लॉन्च रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्कीम नेम छाता, जिसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिटी हार्नेसिंग एंड हार्वेस्टिंग रेन वाटर आर्टिफिशियली फ्रॉम टेरेस टू एक्वीफाई. सो उड़ीसा गवर्नमेंट ने जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्कीम को जो है लॉन्च किया है जिसका नाम छाता है एंड उसका फुल फॉर्म है कम्युनिटी हार्नेसिंग एंड हार्वेस्टिंग रेन वाटर आर्टिफिशियली फ्रॉम टेरेस टू एक्वीफर. ओके, ये आप लोगों को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है. नेक्स्ट है तमिलनाडु CM M.K. Stalin हैज लॉन्च पुदुमई पेन मॉडर्न विमेन स्कीम फॉर द स्टेट गर्ल स्टूडेंट्स. तो तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर है M.K. Stalin उन्होंने पुदुमई पेन इस स्कीम को जो है उस स्टेट की गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए जो है ये लाया है. एंड द कर्नाटका गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड कन्नड़ा एक्टर सुदीप एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर द पुण्यकोटी दत्तु योजना अ कैटल अडॉप्शन स्कीम. सो कर्नाटका गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है कन्नड़ा एक्टर सुदीप को एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर द पुण्यकोटी दत्तु योजना. ठीक है, ये कैटल अडॉप्शन स्कीम है. ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स थी. इसका एलैबोरेट वर्जन मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया है, आप वो जाके देखते हो तो आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी. नेक्स्ट कैटेगरी हमारा है वो है डिफेंस. 10th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज सारेक्स 2022 कंक्लूडेड इन चेन्नई. सो सारेक्स 22 जो है ये 10th एडिशन चेन्नई में हुआ. गवर्नमेंट अप्रूव तेजस मार्क टू कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट. तो तेजस मार्क टू जो है गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है. इंडियन आर्मी कार्गा क्रॉप एंड इंडियन
फोर्स हैव कंडक्टेड जॉइंट एक्सरसाइज गगन स्ट्राइक इन पंजाब. सो इंडियन आर्मी कारगा कॉर्प्स ने एंड इंडियन एयरफोर्स ने जो है गगन स्ट्राइक इस जॉइंट एक्सरसाइज को पंजाब में कंडक्ट किया. इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम under the Ministry of Electronics and IT in collaboration with the Cyber Security Agency of Singapore successfully designed and conducted a cyber security exercise synergy for 13 countries. देखिए very important. क्या बोला जा रहा है, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम जो है उन्होंने अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आई टी एंड साइबर सिक्योरिटी एजेंसी ऑफ सिंगापुर के साथ मिलकर सक्सेसफुली डिज़ाइन किया है सिनर्जी को 13 कंट्रीज में. सिनर्जी क्या है, साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज है. ओके सो किसके साथ मिलकर किसने किस कंट्रीज के लिए किया है, उसका नाम क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट. और इस एक्सरसाइज का थीम था बिल्डिंग नेटवर्क रिसाइलेंसी टू काउंटर रैनसमवेयर अटैक्स. ओके सो ये था थीम, ये थे अबाउट डिफेंस. बढ़ते आगे और देखते हैं डीज एंड थीम्स को. डीज एंड थीम्स जो मैंने 8th ऑफ सेप्टेम्बर तक ही डाला है, 15th ऑफ सेप्टेम्बर तक का मैं आप लोगों को ई बुक में प्रोवाइड करवा दूंगी, यहाँ पे वो आया नहीं है, बट आप लोगों को जो सेप्टेम्बर मंथ के इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स है वो ई बुक में मिल जाएंगे. ई बुक आप ईच एंड एवरी सेशंस का ले सकते हो जो मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ. आप लोगों के पास कोचिफाई का एप्लीकेशन होना वेरी इंपॉर्टेंट है. एप्लीकेशन नहीं है तो उसे प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए, अदरवाइज आपको मैं लिंक प्रोवाइड करती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे आप लोगों को एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है. एंड इंस्टॉल करने के बाद स्टडी मटेरियल के अगर आप टैब में जाती हो तो वहाँ पे ईबुक का सेक्शन आपको मिलेगा. उस ईबुक के सेक्शन में जो भी सेशन मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ उन सारे सेशंस की ईबुक आप लोगों को मिल जाएंगी. सो कुछ डेटा जो यहाँ पे स्किप हो जाता है एंड आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होता है वो वहाँ पे कवर अप हो जाता है. जैसे कि अभी यहाँ पे कुछ डेज नहीं आए तो वो डेज में डेफिनेटली आपको ईबुक में कवर करवा दूंगी. ओके सबसे इंपॉर्टेंट होता है फ्रॉम 1st to 7th of September नेशनल न्यूट्रिशन वीक, राष्ट्रीय पोषण माह जिसे कहा जाता है वो मनाया जाता है. 2nd September को वर्ल्ड कोकोनट डे जिसका थीम था इस साल का ग्रोइंग कोकोनट फॉर द बेटर फ्यूचर एंड लाइफ. 5th September को नेशनल टीचर्स डे मनाया जाता है एंड 5th October को इंटरनेशनल टीचर्स डे मनाया जाता है. ये आपको ध्यान में रखना है, इस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं एंड कन्फ्यूजन क्रिएट होता है. नेशनल की बात की जाए तो सेप्टेम्बर, इंटरनेशनल की बात की जाए तो अक्टूबर, डेट जो है वो सेम रहेगा. ओके इस साल का जो थीम था दैट इज लीडिंग इन क्राइसिस रीइमेजिनिंग द फ्यूचर. 5th September को इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी भी मनाया जाता है. 7th September को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर द क्लीन एयर फॉर द ब्लू स्काइज, इस साल का थीम था एयर वी शेयर. 8th September को मनाया जाता है इंटरनेशनल लिटरेसी डे, वेरी इंपॉर्टेंट थीम था ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसेस. सो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज थे फ्रॉम 1st to 8th September. ये था फ्रॉम फर्स्ट वीक ओनली, सेकेंड वीक का भी मैं कवरअप करवा दूंगी इन ई बुक. ओके सो नेक्स्ट कैटेगरी हमारा बुक्स एंड ऑथर. बुक्स एंड ऑथर की बात की जाए तो एक ही बुक है जो कि आपको ध्यान में रखनी है फ्रॉम द सेप्टेम्बर मंथ अभी तक का मेरे को जो लगा, दैट इज सुबेदार मेजर योगेंद्र यादव, ऑथर ऑटोबायोग्राफी टाइटल द हीरो ऑफ द टाइगर हिल. सो सुबेदार मेजर योगेंद्र यादव जो है उन्हें परमवीर चक्र दिया गया था, उनका ये ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है द हीरो ऑफ द टाइगर हिल. ओके नेक्स्ट कैटेगरी है ओबिचुरी. ओबिचुरी की बात की जाए तो फॉर्मर सोवियत लीडर मिखाइल गोरबाचेव पास अवे. मिखाइल गोरबाचेव जो है उनका निधन हुआ जो कि सोवियत लीडर थे. देन फॉर्मर चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स साइरस मिस्त्री पास अवे, वेरी इंपॉर्टेंट टाटा सन्स के चेयरमैन थे ये साइरस मिस्त्री जिनका निधन हुआ. कार्नेटिक वोकलिस्ट टी वी शंकर नारायण पास अवे. सो कार्नेटिक वोकलिस्ट थे ये शंकर नारायण जिनका निधन हुआ हाल ही में. एंड इंडियन बॉक्सर बिरजू साह जो है उनका भी हाल ही में निधन हुआ. बिरजू साह बिलोंग्स टू इंडियन मतलब वो बॉक्सर रह चुके हैं. ओके सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट ओबिचरीज. ये था हमारा ऑल इन ऑल सेशन सेप्टेम्बर मंथ का फ्रॉम 1st to 15th of September जो कि आपकी अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है. वैसे तो अगर आप कोई भी बैंकिंग का मेन्स एग्जामिनेशन दे रहे हो तो आपको प्रीवियस 6 मंथ का अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना होता है. आजकल तो ऐसा हो रहा है कि प्रीवियस 6 मंथ के पहले के भी क्वेश्चन कुछ कुछ पिक किए जाते हैं, एक दो क्वेश्चन हमें देखने मिलते हैं. तो जो लोग रेगुलरली प्रीवियस 1 ईयर से प्रिपरेशन करते हैं हमारे अपनी एग्जामिनेशन के लिए और रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करते रहते हैं, उन लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि प्रीवियस मंथ का भी पूछा जाए, 6 महीने के पहले का भी पूछा जाए तो आंसर मार्क करना. देखिए अगर आप कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हो तो आपको कंसिस्टेंटली करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना है. ठीक है, ऐसा नहीं कि आपका एग्जाम है तो आप प्रीवियस 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ इतना ही प्रिपेयर कर रहे हो. कोई भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जिस दिन से प्रिपरेशन स्टार्ट किया उस दिन से करंट अफेयर को फॉलो करना चाहिए ताकि आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं है. लेकिन एटलीस्ट 6 मंथ का प्रिपेयर करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मैंडेटरी होता है. तो आपको 6 मंथ का प्रिपेयर करना है तो मैंने 6 महीने का करंट अफेयर आप लोगों को प्रोवाइड किया हुआ है.
आप सारे सेशंस को फॉलो कर सकते हो, रिवीजन करना चाहते हो तो ई बुक्स भी अवेलेबल है कोचिफाई के एप्लीकेशन पे। ई बुक्स के माध्यम से आप टाइम पर जो पॉइंट्स रिवाइज करना चाहते हो, जो जो क्वेश्चंस आप लोगों को इंपॉर्टेंट लगते हैं, आप स्क्रॉल करके अच्छी तरीके से रिवाइज कर सकते हो ई बुक के माध्यम से। ओके, सो ई बुक आपको कोचिफाई पे मिल जाएगा और सेशंस आप लोगों को मैंने सारे प्रोवाइड किए। जो भी इंपॉर्टेंट सेशन इन बिटवीन आपको मैंने रिकमेंड किए, जरूर बिफोर एग्जामिनेशन गो थ्रू कीजिए। सबका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी। सो ये था हमारा आज का सेशन। अगर आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना है अपने ज्यादा से फ्रेंड के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अपकमिंग कौन सा सेशन चाहते हो आप लोगों के एग्जामिनेशन के लिए, उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।